हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रैवल फ्रीक वीडियोस। और आज हम लोग जा रहे हैं वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट शिप देखने, जो वर्ल्ड का सबसे पुराना जहाज है जो कि अभी भी अफ्लोट है, मतलब अभी भी जो एक तरह से फंक्शनल है, दैट इज यूएसएस कॉन्स्टिट्यूशन इन बोस्टन। यूएसएस कॉन्स्टिट्यूशन इस शिप का नाम है। और जैसा कि मैंने कहा, दिस इज द ओल्डेस्ट शिप अफ्लोट इन द वर्ल्ड एट दिस पॉइंट। 1797 में इसका स्टार्ट, मतलब बिल्ड हुआ था 1797 से ये ऑपरेशनल है। एंड सो इट्स मोर देन 200 इयर्स, ऑलमोस्ट 226 इयर्स। 1997 में इसका 200 ईयर जब कंप्लीट हुआ था, इट टुक अ राउंड ऑफ द एंटायर यूनाइटेड स्टेट्स फॉर 3 इयर्स। सो आज हम लोग आए हैं यूनाइटेड स्टेट्स का ये सबसे पुराना जो शिप है, यूएसएस कॉन्स्टिट्यूशन देखने। और इसके साथ एक म्यूजियम भी है, हम वो भी देखेंगे। नाउ वी आर स्टैंडिंग इन द चार्ल्स टाउन नेवल हिस्टोरिक डिस्ट्रिक्ट, बेसिकली जो डॉक है वहाँ पर। और मेरे पीछे आप शिप देख सकते हैं। सो दिस इज द जनरल डॉक, इसको चार्ल्स टाउन हिस्टोरिक नेवल एरिया कहा जाता है। टोटली ये आज भी नेवी के कंट्रोल में है। एक्टिव नेवी ऑफिसर्स आर टेकिंग केयर ऑफ द एंटायर एरिया, दे आर इंचार्ज ऑफ द एरिया। आफ्टर सिक्योरिटी चेक वी एंटर दिस एरिया। सो ये जो एरिया है, ऑफ कोर्स एट वन पॉइंट इट वाज अ वेरी एक्टिव डॉक। यहाँ पर शिप बिल्डिंग भी होता था। शिप बिल्डिंग के कई जो उसका मेमेंटो है, उसके जो फोटोज़ हैं एंड सम ऑफ द आइटम्स वी विल सी इन द म्यूजियम। नाउ मेरे पीछे यूएसएस कॉन्स्टिट्यूशन है, विच इज़ द ओल्डेस्ट शिप इन द वर्ल्ड विच इज स्टिल अफ्लोट, जैसा मैंने पहले ही कहा। और यहाँ पर एक विजिटर सेंटर है, हम लोग विजिटर सेंटर देखेंगे, और एक म्यूजियम है। सो ओवरऑल यहाँ पर तीन चीज़ है, विजिटर सेंटर, यूएसएस कॉन्स्टिट्यूशन म्यूजियम एंड द यूएसएस कॉन्स्टिट्यूशन शिप इट्सेल्फ। यूएसएस कॉन्स्टिट्यूशन शिप जो है, इसको आयरन साइड भी कहा जाता है, बिकॉज इसके साइड में आयरन का आयरन से बना हुआ है। बिकॉज एट सम पॉइंट दिस होल एरिया वॉज पायरेट इन्फेस्टेड, सो पायरेट से इनको काफ़ी डेंजर था। एंड दैट्स व्हाई दिस शिप वाज बिल्ड इन अ स्पेशल एंड अनकन्वेंशनल वे, सो दैट द पायरेट्स कैन नॉट इजीली ओवरपावर एंड टेक कंट्रोल ऑफ द शिप। यूएसएस कॉन्स्टिट्यूशन वाज अ शिप विच एक्चुअली टुक एक्टिव पार्ट इन 1812 डिसाइसिव वॉर अगेंस्ट द ब्रिटिश, सो उसके लिए भी इसको जाना जाता है। And of course it was in active service till mid 1800s, then of course it retired, but in between it actually took some voyage, jaisa ki maine kaha 1997 mein it took a round of the United States and went to many ports, in fact 200 ports, different ports. So ab hum chalte hain visitor center mein, pehle visitor center dekhenge, uske baad jayenge शिप के अंदर, और फिर लास्ट में जाएंगे म्यूजियम में। सो हमारे साथ वीडियो में आप बने रहिए, एक एक करके हम लोग तीनों जगह को कवर करते हैं।
फाइनली हम लोग कहाँ खड़े हैं, कौन सी जगह? यूएसएस कॉन्स्टिट्यूशन जहाज, जो दुनिया का सबसे पुराना ऐसा जहाज है जो आज भी पानी में है, जो आज भी ऑपरेशनल है। सो ये बहुत ही एक हिस्टोरिकल मोमेंट है कि जिस जगह पे हम लोग खड़े हैं ये जहाज 200 साल से भी पुराना है और यूएसएस कॉन्स्टिट्यूशन के डेक पे हम लोग खड़े हैं। तो कैसा लग रहा है? ऐसा नहीं लग रहा है कि हिस्ट्री इज अलाइव विद अस, वी आर एक्चुअली गोइंग बैक मोर देन 200 इयर्स एंड फाइटिंग दैट बैटल विद द ब्रिटिश? ऐसा नहीं लग रहा है? वी आर फीलिंग लाइक दैट, वी आर फीलिंग दैट एनर्जी कि अभी लग रहा है कि ब्रिटिश फोर्स आ रहा है और हम लोग एकदम रेडी होके गन लेके जा रहे हैं लड़ने। ऐसा नहीं लग रहा है? गन तो नहीं है हाथ पे, लेकिन वो फीलिंग जरूर आ गया है, वो लड़ने वाला फीलिंग आ चुका है। बंगाली में एक बात है ना ढाल ना तलवार निधिनम सरदार। हाँ, लेकिन वैसा लग रहा है कि आज एकदम लड़ाई वाला मूड जरूर आ चुका है। तो यहाँ पर आके बिल्कुल ऐसा लग रहा है, इतना हिस्टोरिकल जगह है। अभी हम लोग हैं मेन डेक में, ये देखिए हमारे पीछे जो मास्ट है ये 3-masted शिप है। सो ये एक मास्ट हमारे पीछे है, अभी हम आपको घुमा के दिखाते हैं ऊपर वाला डेक। इसके बाद नीचे जाएंगे और भी फ्लोर्स हैं। सो दिस इज द टॉप डेक, इसके नीचे गन डेक है जहाँ पर एक्चुअल गन्स रखे हुए हैं, कैनन रखा हुआ है, कैनन दोनों साइड में, यहाँ भी ऊपर भी एक दो कैनन है बट नीचे ज्यादा है। देन देयर इज अनदर रेसिडेंशियल फ्लोर जहाँ सेलर्स रेस्ट करते थे। तो ये 3 फ्लोर है, केबिन्स है, सब कुछ ही है उसमें। सो उसके बाद जो नीचे वाला फ्लोर है उसमें नहीं जाने देते हैं, वो गन पाउडर स्टोरेज है, मशीन स्टोरेज है। बट 3 फ्लोर हम लोग एक एक करके देखेंगे और आपके साथ शेयर करेंगे। आज छुट्टी स्प्रिंग ब्रेक चल रही है इसलिए बहुत सारे बच्चे फैमिली के साथ आए हैं। आज बहुत सारे लोग आए हुए हैं देखने के लिए। सो बहुत ही मजा आ रहा है। चलिए शिप का बाकी एरिया का टूर हम लोग कंटिन्यू करते हैं। This is what's going to shoot it. Is it the weight of the truck? Excuse me. This is the whole thing. Yeah, the whole shabab. Yep. So, yep. You got the wheels, you got the casing that's in, everything, stand, the mount. Yep. And then everything all right here, whole thing weighs as much as my truck. So when you go down one more deck, you'll see these, they kind of look like this, but they're a little bit more durable. You'll see them under each one of the pillars. It's because it's supporting this. ये है गन डेक, जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं गन्स हैं, कई सारे हैं दोनों साइड में, शिप के दोनों साइड में गन्स हैं, कैनन है जिसमें गन पाउडर डाल के और फायर किया जाता था, बिकॉज दिस वॉज अ वॉरशिप, प्राइमरीली अ वॉरशिप। सो इसलिए देखिए दोनों साइड में आपको दिख जाएंगे गन्स और इनमें कैसे गन पाउडर डालते थे और कैसे इनको फायर किया जाता था, इनका रेंज क्या था। यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहे हैं, देयर इज अ जेंटलमैन फ्रॉम नेवी हु इज एक्सप्लेनिंग ऑल दैट। सो इस फ्लोर का टूर लेते हैं। इसके नीचे जो फ्लोर है वो फ्लोर थोड़ा लो क्लियरेंस फ्लोर है एंड दैट इज अ रेसिडेंशियल फ्लोर जिसमें प्राइमरीली सेलर्स रेस्ट लेते थे और डाइनिंग करते थे। सो ये है डेक, गन डेक। इसके नीचे जो रेसिडेंशियल डेक है और उसके नीचे एक मैगजीन डेक है, बट वहां पर अभी जाने नहीं देते हैं। दैट्स अ डार्क एरिया विच वॉज यूज टू स्टोर द गन पाउडर एंड अदर एम्यूनिशंस, बट दैट पार्ट इज क्लोज नाउ। सो टोटल 3 लेवल पे अभी एक्सेस है और तीनों लेवल पे हम लोग जा सकते हैं। सो ये
डेक के जस्ट नीचे ही है, ओपन डेक के नीचे ये सेक्शन है, इसके बाद हम जाएंगे इसके नीचे वाले सेक्शन में.
स्टार्ट करो. Constitution shakes from stem to stern.